नमस्कार, आज हम इंग्लिश के बड़े ही मजेदार टॉपिक गेट पर बात करने वाले हैं। गेट का यूज इंग्लिश सेंटेंस में कैसे होता है, किस किस प्रकार गेट का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में होता है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही सहायक होगा। आप इंग्लिश के चाहे किसी भी लेवल पर हो, एडवांस या बेसिक, ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। आज हम गेट के सारे उपयोग सीखने वाले हैं। गेट का उपयोग तीन तरह से होता है, पॉजिटिव वर्ब, प्रेजेंट वर्ब और मेन वर्ब। आज हम गेट का मेन वर्ब की तरह किस प्रकार प्रयोग होता है उसके बारे में जानेंगे। ये गेट का पार्ट वन है। गेट के पॉजिटिव और फ्रेजल वर्ब के एग्जांपल भी मैं दूंगा और उसके लिए हम अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज गेट का मेन यूज है वो मेन वर्ब की तरह कैसे होता है और गेट का मतलब क्या होता है, कौन कौन से हिंदी सेंटेंस है जिसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त गेट का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। गेट एक वर्ब है, टू गेट आप जानते हो उसका मेन है, वो वर्ब है, उसका बेस फॉर्म है गेट, पास्ट फॉर्म है गॉट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गॉट गॉटन और आईएनजी वाला उसका फॉर्म है गेटिंग, जिसे हम जनरेट वर्ब की तरह भी उपयोग कर सकते हैं कि कुछ क्रिया हो रही है, ऐसे संदर्भ में हम आईएनजी वाला वर्ब यूज करते हैं, तो वो है गेटिंग। तो ये याद रख लीजिए, बेस है गेट, गॉट पास्ट पार्टिसिपल गॉट और तो चलिए बारी बारी से गेट के सारे उपयोग सीखते हैं। गेट का पहला उपयोग है पहुंचना, किसी भी जगह पर पहुंचना, टू रीच टू अराइव, कहीं पर भी आप किसी जगह पर पहुंच रहे हैं उस रिशी या रीच की जगह भी आप गेट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप वहां कब तक पहुंचोगे, एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है कि आप वहां कब तक पहुंचोगे, तो आप जनरली इसे इंग्लिश ऐसे बनाते हैं, व्हेन विल यू रीच दैट, आप वहां कब तक पहुंचोगे, लेकिन आप उसका गेट के साथ भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि व्हेन विल यू गेट देयर, यहां पे रीच की जगह आप गेट का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही होता है, व्हेन विल यू गेट देयर। अगला एग्जांपल देखते हैं, मैं 4 बजे तक अहमदाबाद पहुंचूंगा, मैं 4 बजे तक अहमदाबाद पहुंचूंगा। सामान्य तौर पर हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, आई विल रीच अहमदाबाद बाय 4 o'clock, आई विल रीच अहमदाबाद बाय 4 o'clock। आप गेट का उपयोग करके इस वाक्य को कहते हैं, आई विल गेट टू अहमदाबाद बाय 4 o'clock, यहाँ पे रीच की जगह आप गेट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको याद यह रखना है कि किसी जगह का अगर उल्लेख है तो आपको गेट के साथ टू लगाना है, गेट टू अहमदाबाद। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला उपयोग देखते हैं, गेट का अगला उपयोग है प्राप्त करना या पाना। किसी के पास से अगर किसी चीज को हम प्राप्त करते हैं, कोई होदा प्राप्त करते हैं, कुछ चीज प्राप्त करते हैं, तब भी हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं। कल मुझे एक लेटर मिला, एक खत मिला, तो सामान्य तौर पर हम इसके इंग्लिश ऐसे करते हैं, आई रिसीव्ड द लेटर यस्टरडे, यहाँ पे वो पास्ट वाला सेंटेंस है, इसलिए है रिसीव्ड, तो गेट की पास्ट फॉर्म होगी गॉट, तो रिसीव्ड की जगह आप गॉट का प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, आई गॉट अ लेटर यस्टरडे, आई गॉट अ लेटर यस्टरडे, तो रिसीव्ड जगह आप गॉट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला उपयोग है बाय और परचेज, गेट का उपयोग होता है खरीदना, आप चीज खरीदने वाले होते हो, खरीदी होती है, तब आप बाय या परचेज की जगह भी गेट रख सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं, मैं कल सुबह मोबाइल खरीदूंगा, आने वाले समय में मैं कल मोबाइल खरीदूंगा, तो वैसे तो हम इसकी इंग्लिश ऐसे करते हैं,
आई विल बाय अ मोबाइल टुमारो, आई विल बाय अ मोबाइल टुमारो, बाय यानी खरीदना। लेकिन आप बाय की जगह गेट भी यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं आई विल गेट अ मोबाइल टुमारो, आई विल गेट अ मोबाइल टुमारो। तो खरीदना, परचेस करना, बाय या परचेस की जगह भी आप गेट का उपयोग कर सकते हैं। गेट का अगला उपयोग देखते हैं, स्टेटस में बदलाव होना, यानी कि एक परिस्थिति में से दूसरी परिस्थिति में जाना। ऐसे सिचुएशन पर भी हम गेट का उपयोग कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अंधेरा हो रहा है, यानी कि उजाले में से अंधेरा हो रहा है, तो आप सामान्य तौर पर इसकी इंग्लिश ऐसे करते हैं, इट्स बिकमिंग डार्क, यानी कि अंधेरा हो रहा है। गेट के साथ भी आप इस वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। उसी प्रकार हम बूढ़े हो रहे हैं, वी आर गेटिंग ओल्ड, आप कह सकते हैं कि उसकी शादी हो गई, यानी कि पहले वो कुंवारा था, अब उसकी शादी हो गई, तो आप कह सकते हैं ही गॉट मैरिड, यानी कि उसकी स्थिति, स्टेटस बदल चुका है। तो ऐसे बदलाव के सिचुएशन में भी हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला उपयोग है समझना, गेट का उपयोग होता है समझना संदर्भ में, अंडरस्टैंड के संदर्भ में। जैसे कि मैं ये समझ गया, आई अंडरस्टूड इट, आई अंडरस्टूड इट। आप अंडरस्टैंड की जगह गेट का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, तो हम लिखेंगे आई बॉट इट, आई बॉट इट। क्या तुम समझ गए, तो आप कह सकते हैं बॉट इट, गॉट इट। यहाँ पे एक प्रश्नार्थ वाक्य है, तो उसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। गेट का अगला उपयोग है लेना या देना, ब्रिंग और गिव, यानी कि किसी से कुछ चीज लेते वक्त भी हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं, किसी को कुछ चीज देते वक्त भी हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ब्रिंग और गिव की बजाय हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, मैं चाय लाती हूँ, इसकी इंग्लिश सामान्य तौर पर इस प्रकार, आई ब्रिंग यू द टी, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, तो ऐसे होगा आई गेट यू द टी, प्लीज गिव मी अ वाटर, कृपया करके मुझे पानी दीजिए, तो गिव की जगह आप गेट का उपयोग कर सकते हैं, प्लीज गेट मी अ वाटर, क्या आप मुझे पानी दीजिए। गेट का अगला उपयोग है कमांड, किसी भी प्रकार से कुछ चीज को प्राप्त करना या पैसे कमाना। कुछ एग्जांपल देखते हैं, टू अर्न के बजाय भी आप गेट का उपयोग कर सकते हैं, मैं चार पैसे कमाता हूँ, यानी कि मैं बहुत थोड़ा कमाता हूँ, ऐसा कहने का मतलब है। तो आप सामान्य तौर पर इसकी इंग्लिश ऐसे करेंगे आई अर्न अ लिटल, मैं थोड़ा कमाता हूँ। गेट के साथ इस वाक्य को ऐसे बनाएंगे आई गेट अ लिटल, लिटल। ही अर्न 10,000 रुपीस पर मंथ, वो हर महीने 10 कमाता है। गेट के साथ इस वाक्य को ऐसे हम बनाएंगे गेट 10,000 रुपीस पर मंथ, तो अर्न की जगह भी आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसका जो लास्ट वाला यूज है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हैव हैज और हैड के साथ भी आप गॉट का उपयोग करके किसी भी चीज पर अपनी मालिकी है ऐसा दर्शा सकते हैं। जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आप ऐसा वाक्य बनाते हैं, तो आप उसका गॉट के साथ भी उपयोग कर सकते हैं, आई हैव गॉट अ पेन, मेरे पास एक पेन है। दोनों वाक्यों का मतलब एक ही है। यहाँ पे हम गेट की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का उपयोग करेंगे, क्योंकि हैव और हैज है उसके साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का उपयोग होता है, तो हैव हैज और हैड के साथ हमेशा गॉट का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, कार है, आई हैव अ कार, और
के साथ इसका उपयोग होगा आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास दो बड़ी अलमारी थी, यानी कि पास्ट में थी पहले, तो आप उसे इस प्रकार लिख सकते हैं आई हैड अ अलमेरा, आई हैव गॉट अ अलमेरा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे गेट को एज अ मेक वर्ब समझने की कोशिश की। अभी लेक्चर में हम पॉजिटिव और फ्रेजल वर्ब में गेट का उपयोग कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले बार हम और किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।